ए बंदर चलिए ध्यान दे। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 6 तक हो गया है। चैप्टर 7 देखेंगे, चैप्टर 7 का नाम है क्रमचय और संचय। क्रमचय को इंग्लिश में बोलते हैं परमुटेशन और संचय को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। और काफ़ी ईजी चैप्टर है, ठीक है, जिससे ज़्यादा बेसिक भी नहीं है और काफ़ी ईजी चैप्टर है, फटाक से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्रमचय को बोलते हैं क्या, परमुटेशन। क्या बोलते हैं? तो क्रमचय को हम इंडिकेट करेंगे पी से, कैसे करेंगे? और संचय को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? तो संचय जहाँ रहेगा तो उसको बोलेंगे सी। क्या बोलेंगे? सिंपल बात है, क्रमशय को बोलेंगे पी या संचय को बोलेंगे सी, ठीक है ना। क्रमशय क्या है पता है? तो ये दिया हुआ है, कोई मतलब कोई संख्या दे दिया, ठीक है ना, उसको बोलेगा सजाने। क्या बोलेगा? तो जितना संभावना रहेगा, ठीक है ना, सभी संभावना है, इतना सजाने का जितना भी संभावना है, सभी संभावना क्या कहलाएगा? कहलाएगा कहलाएगा कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा? जितना भी संभावना को संख्या दे दिया है, उसको दो दो करके सयाने बोले, तीन तीन करके सयाने बोले, जितना भी संभावना सयाने का है, ठीक है, जो प्रश्न में जो बोल रहा है जिस तरह सयाने, जितना भी संभावना बन रहा है क्या कहलाएगा? कहलाएगा क्रमचय। क्या कहलाएगा? और संचय क्या है? तो ये सेट है, क्या है? को सेट का संग्रह है, ठीक है ना। दिया गया वस्तु के समुच्च का संग्रह है। समुच्च का क्या है? संग्रह। ये सब उतना समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत ना है, जब मैथ बताएंगे तो अच्छा समझ आएगा। समुच्च का क्या है? संग्रह। क्या है? अब देखें यहाँ पर क्रम, मान लो कि यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर बंदर यहाँ ध्यान दे, ऐसे मान लें यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं यहाँ पर जीन्स। क्या लिख रहे हैं? और यहाँ लिख दिए कौन सी? टी शर्ट। क्या लिख दिए? टी शर्ट लिख दिए ना। जीन्स एगो को लिख दिए, एगो जीन्स है J1 है, एक तो J2 है, एक J3 है, ठीक है ना। एगो शर्ट लिख दिए S1 S2 S3 S4 S5 लिख दिए ना। अब बोलेंगे दोनों में कितना क्रमचय बनेगा, क्या बनेगा, कितना परमुटेशन बनेगा। यानी जीन्स वन को हम किसके साथ पहन सकते हैं? सिंपल बात बोलेगा, इसके साथ ही पहन सकते हैं, इसको साथ ही पहन सकते हैं, संभावना है ना। अरे क्या सभी संभावना? तो संभावना बना, जीन्स वन को शर्ट वन के साथ ही पहन लेंगे, टू के साथ ही पहन लेंगे, थ्री साथ ही पहन लेंगे, फोर के साथ ही पहन लेंगे, फाइव के साथ ही बनना संभावना है ना। उसी प्रकार टू का पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? टू का भी संभावना, इसके साथ पहन लो, इसके साथ पहन लो, यानी पाँचों साथ पहन लो, यही संभावना बन रहा है। पाँचों साथ पहन लो तो ये क्या संभावना क्या हुआ? उसी प्रकार जे जीन्स थ्री है तो इसको भी किसी साथ पहन लो, कोई दिक्कत थोड़े है। तो कुल कितना संभावना बना? इससे ज़्यादा संभावना और बनेगा क्या? हाँ, तो कुल कितना संभावना बना? पाँच को बना, 15 को वर्ग दा, खाली जीन्स वन के पाँच को बना, जीन्स टू को फिर पाँच बना, और जीन्स थ्री का पाँच बना, और इससे ज़्यादा बनने वाला है? तो जितना भी संभावना है, यानी कुल संभावना क्या कहलाता है? कहलाता है क्रमचय। क्या कहलाता है? समझ लो आया। अब क्रमचय में डाट यहाँ मान लो, जैसे यहाँ पे यहाँ कितना है? तीन। कितना है? अरे जीन्स का के गो? तीन अंग ना। और सटवा के गो है? सटवा के गो है? पाँच गो। तो देख यहाँ पर ही तो हम जानते हैं कि कुल संभावना निकालना है, कुल संभावना यानी कुल परमुटेशन निकालना है। तो क्या करेंगे? दोनों खाली गुना कर देंगे, 15 हो गया, ऐसे 15 ना हो गया, हुआ समझ लुकाया। यानी अंकन गिनती कैसे करेंगे? अंकन का गिनती कैसे करेंगे? ठीक है, कुछ दे दिया तो सर गिनती कैसे करना है? तो गिनती इसी तरह करना है, जितना एक सेट में जितना दिया हुआ है, यानी एक नंबर में जितना दिया वो देख लिया, दूसरा में जितना दिया वो देख लिया, दोनों क्या कर दे? गुना कितना कर दे? यानी दो को रहेगा, दोनों बोलेगा क्या संभावना कितना बना दिखाने? तो एक हम जितना वो लिख दे उसको बोलिए एम। क्या बोलिए? दूसरा मान ले एन है, क्या है? तो MN हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों गुणनफल आ जाएगा। ये क्या है? ये मेरा एक क्रमचय। क्या क्रमचय? ठीक है ना, क्रमचय का फार्मूला भी होता है। देखिए यहाँ पर बोलेगा क्रमचय का फार्मूला होता है NPR, यानी परमुटेशन का फार्मूला होता है N, परमुटेशन को दिखाते हैं हम NPR से। NP N मतलब हो गया टोटल नंबर, मतलब क्या हो गया? R मतलब टोटल में से जितना चुन रहा है उसको बोलते हैं R। क्या बोलते हैं? तो इसके बाद सूत्रवा होता है N, तुम लोग फैक्टोरियल नहीं समझता होगा, चलो सूत्रवा थोड़ा बाद में बताते हैं, यहाँ समझ। पहले तुम लोग को फैक्टोरियल बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? फैक्टोरियल क्या होता है उससे पहले यहाँ ध्यान दे। मान लें कि हम ले लिए, बोल दिए कि यहाँ पर हम ले लिए 1 2 3 4 5, पांच संख्या ले लिए ना, पांच संख्या ले लिए ना। अब बोलेंगे पांचों संख्या से, ठीक है ना, पांचों संख्या से तीन अंक वाला कितना संख्या बना सकते हैं? ये पांचों संख्या से तीन अंक यहाँ जो लेना है, कितना अंक लेना है? समझ रहे ना, पांच संख्या यहाँ पर है, लेकिन पांचों संख्या में से कोई तीन अंक यहाँ लेना है, कितना अंक बना सकते हैं? ये क्या है? ये मेरा क्रम से क्या है? तो पांचों संख्या में से कितना तीन अंक वाला संख्या बना सकते हैं? जल्दी बताओ। यहाँ पर लिख रहा है पहले पुनरावृत्ति नहीं हो मतलब समझ रहा है कि एक अगर यहाँ रिपीट हो गया तो फिर यहाँ एक नहीं आना चाहिए, अगर दो यहाँ रिपीट कर यहाँ आ गया तो दो यहाँ ना आना चाहिए, समझ रहा है ना?
अगर यहाँ पे दो आ गया तो दो इधर ना आना चाहिए, इसको बोलते पुनरावृत्ति नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो। तो बता पांच संख्या लिए, कितना संख्या लिए, पाँच संख्या लिए ना, हमको बनाना है तीन अंक वाला संख्या बनाना है, तीन अंक वाला संख्या कितना बना सकते हैं, कितना बना सकते हैं, यही ना हुआ। तो बता ये पाँचों में से कोनो यहाँ पर एगो ले सकते हैं हम, नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, तीन अंक वाला संख्या बनाना है तो पाँचों में से कोनो एगो लिख देंगे यहाँ, तो पाँचों में से कोनो एगो लिखेंगे ना, तो कोनो एगो लिख दिए तो क्या बचाओ, ये पाँचों में से कोनो एगो लिख दिए तो बचाओ क्या, चार ही ना बचा, तो अब यहाँ चार को बचाओ, चारों में से कोनो एगो लिखेंगे यहाँ पर, यही लिखेंगे ना, चारों में से कोनो एगो लिखे तो पाँचों में से कोनो एगो लिखे तो एगो यहाँ लिखा गया, फिर चार को बचा तो चारों में से कोनो एगो यहाँ लिखे तो एगो यहाँ लिखा गया, क्या बचा, तीन को बचा, तो तीनों में से कोनो एगो यहाँ लिखेंगे, यही लिखेंगे, तो यही हो गया, सब गुना कर देंगे तो कितना हो गया, पाँच गुना चार गुना तीन, तो पाँच चौबीस बीस दिया साठ, इस तरह पूछेगा बताने बता देगा ना, कोई भी दे देगा दस तक दे देगा संख्या, बोलेगा चार अंक वाला संख्या बना, पाँच अंक संख्या बना, छः अंक वाला संख्या बना, तो बना देगा ना, हाँ तो ऐसी को हम बोल सकते हैं इसी, अब देखें यहाँ पर ये हो गया फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल हो गया ना, अगर बोल देता कि मतलब इस यही पाँचों का, यही पाँचों संख्या का यूज करना है, पाँचों संख्या का यूज करना है, अगर पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति समझ आ रहा है तुम लोग, पुनरावृत्ति मतलब रिपीट हो, यहाँ नोट नो रिपीटिंग है, यहाँ पर रिपीटिंग हो यानी रिपीट हो, क्या हो, पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, तो बता तीन अंक संख्या बनाना है ना, तीन अंक संख्या बनाना है, जब तीन अंक संख्या बनाना है तो पाँचों में से कोनो यहाँ वो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो पाँचों में से कोनो यहाँ लिख दिए, यहाँ क्या करते हैं पाँचों में से कोनो एगो लिख दें, पाँचों में से कोनो एगो लिखे यहाँ पर, लिखे ना, तो फिर पाँचों में से कोनो एगो लिखे, अथी चार को यहाँ लिखे, पाँच को यहाँ लिखे, चलिए बताओ, अरे बोरा रिपीट हो सकता है ना, तो फिर पाँचों में यहाँ लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं पाँचों में से फिर कोनो एगो लिख सकते हैं, यहाँ बोले रिपीट ना हो तो पाँचों में से कोनो एगो लिख दिए, तो दूसरा बार चार एगो लिए, जो एगो लिख दिए उसे छोड़ दिए, फिर दूसरा बार चार एगो लिए, ठीक है ना, लेकिन यहाँ बोल रहे पुनरावृत्ति हो तो पाँच को लिख दे, पाँचों में से पाँचों लिख दे, फिर पाँचों में से पाँचों कोनो लिख देंगे यहाँ पर, फिर पाँचों में से पाँचों कोनो यहाँ लिख देंगे, पुनरावृत्ति करना है ना, तो कुल कितना हो गया, तो अगर उठा पटा देंगे गुना पाँच गुना पाँच गुना पाँच कितना हो गया, पचे पच्चीस पच्चीस पचे एक सौ पच्चीस हो गया, कितना हो गया, इतना समझा, पुनरावृत्ति जहाँ बोलेगा ठीक है ना, तो पूरा लिख देना है डायरेक्ट, ठीक है ना, पुनरावृत्ति नहीं बोलेगा तो घटाते जाना है, पाँच चार तीन दो एक, ये दस रहेगा तो दस नौ आठ सात छः पाँच, समय आ गया ना, तो यही क्या है, यही क्या है मेरा क्रम से क्या है, ठीक है ना, अब यहाँ ध्यान थोड़ा समझते फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल क्या बोल रहा है, फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल के लिए क्या करते हैं, इस तरह समझ रहा है, इस तरह तुमको आयोटा भी बोले थे अरे, या फैक्टोरियल के निकल करता है इससे, समझ रहा है, तो दोनों ये भी रहेगा ये भी रहेगा, ज़्यादा तुमको मिलेगा ये क्या मिलेगा, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे मान लो तुमको दे दिया क्या, तुमको दे दिया एट फैक्टोरियल, क्या दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ धीरे धीरे घटाते चल जाओ, घटाते चल जाओ, यानी आ एट इंटू सेवन इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन हो गया, इसका क्या गया एट फैक्टोरियल का मान कितना है, तो बोल देंगे इतना इसको गुना के लिए दे, ये मान हो गया, क्या हो गया, समझा तुम लोग, जैसे मान लो बोल दिया थ्री फैक्टोरियल, क्या बोल दिया, तो क्या हो जाएगा, थ्री इंटू टू इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, इतना गुना करके लिख दे मान हो जाएगा, समझा, तो फैक्टोरियल बोलेगा किसी निकाल निकाल लेगा ना, फाइव फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल दस फैक्टोरियल, या बोलेगा एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एन फैक्टोरियल फिर एन से एक कम यानी एन माइनस वन फैक्टोरियल, अरे यही हुआ फिर इससे एक कम यानी एन माइनस टू फैक्टोरियल ना होगा, इसी प्रकार बढ़ते 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 तो कहाँ तक जाएगा, तो वन फैक्टोरियल तक, कहाँ तक जाएगा, नहीं जाएगा यहाँ तो नहीं जाएगा, वहाँ तो नहीं जाएगा, समझ गए तुम लोग, फिर तुम लोग को क्या याद रखना है, तुम लोग को याद रखना है कि जीरो फैक्टोरियल के मान क्या बोल रहा है, जीरो फैक्टोरियल के मान वन होता है, याद रखना जीरो फैक्टोरियल के मान कितना होता है, जीरो फैक्टोरियल के मान कितना होता है, और वन फैक्टोरियल के मान भी वन होता है, वन फैक्टोरियल के मान भी कितना होता है, वन होता है, जीरो फैक्टोरियल के मान भी वन और वन फैक्टोरियल के मान भी वन, जैसे बताए थे क्वेश्चन को मथुआ पर कोई मान लो जीरो है, पावर है जीरो, तो उसका मान कितना होता है, वन, चाहे एक सौ पर हो या एक लाख पर हो या एक हज़ार पर हो या करोड़ों पर मथुआ पर जीरो, उसका होता है कितना होता है, समय आ गया, अब यहाँ तुम लोग ध्यान दो, अब बोलेंगे कि हमको तो ये तो मतलब ऐसे समझाएं डब्बा बना के निकालने बताए थे ना, अब तुमने पूछा कि क्रम से का फार्मूला क्या होता है, अरे फार्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं एन, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं आर, अब बोलेगा एन क्या है, तो ये देखें यहाँ टोटल नंबर कितना था, पाँच था, तो टोटल जितना दे ले रहेगा होगा एन, क्या होगा, समय तुम लोग आ गया, तो बोलेंगे यहाँ टोटल कितना है, तो बोलना है एन बराबर कितना है यहाँ पर, पाँच है, और इसमें से जितना ले रहा है, इसमें से जितना अंक की संख्या बना रहा है, जितना के यूज करना है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे आर, क्या बोलेंगे, उठा पड़े रहेंगे जाकर, पी मतलब होगा परमुटेशन मतलब क्रम छय, कहेगा यानी परमुटेशन यानी क्रम छय, एन क्या हो गया टोटल, एन क्या हो गया, और उसमें से जितना का बनाना है वो होगा आर, क्या होगा, चुनना है वो होगा आर, उसमें से जितना को चुनना है वो होगा, देखिए यहाँ पर पाँच में से तीन घर ने बनाना था, तो ये हो गया आर, ये कौन चीज हो गया, समझा तुम लोग, ऐसे बोलेंगे कि दस में से दो को चुनना है तो दस हो गया एन, आर हो गया
दो, समझ आया। बोलेंगे मान लो यहाँ बोले कि 10 में से 4 को चुनना है, तो 10 हो गया कुल n और r हो गया 4। अभी तो क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो अच्छा समझ आएगा, अभी चैप्टर में पहुँचेंगे तो, ठीक है ना। तो n p r बराबर क्या होगा सोते, तो इसका हो जाएगा n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है क्या होता है n फैक्टोरियल बट्टा एन माइनस सोतरवा बोलेगा अच्छी परमोटेशन कर बता देगा ना, नहीं बता देगा। देखिए यहाँ पर यहाँ जो मान निकाले थे, यहाँ समझ तो लो, यहाँ जो मान निकाले थे बॉक्सवा बनाए जो निकाले थे तो उसमें कितना है 60 आया। अब बॉक्सवा बनाए नहीं निकालेंगे, इससे भी निकालेंगे तो उतने आएगा। देखिए यहाँ कितना 5, यहाँ 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 इनके मान कितना है 5, एन बराबर कितना है 5 है ना। और बना हम क्या कर रहे हैं, 3 को बना रहे हैं, 3 को चयन कर रहे हैं, इसमें से 5ों में से हमेशा 3 नंबर का चयन कर रहे हैं ना, तीन संख्या ने 3 को चयन कर रहे थे, यहाँ बराबर कितना हो गया 3, कितना हो गया दे बैठा देख ले, इसमें भी 60 आएगा, सूत्रवा बनाएंगे तब भी 60 आएगा, ऐसे बनाएंगे तब भी 60 आएगा, जो हल्का लगा उससे बना लेना है, कोई दिक्कत है। देख सूत्रवा बैठाते हैं तो यहाँ लिखेंगे एन फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल कुल हो गया, अरे यही हुआ। फिर एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो एन कितना है 5, कितना है आर कितना है मेरा 3, यही है ना, यही हो गया ना, हुआ। 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसको देखें यहाँ पर ऊपर हो गया 5 फैक्टोरियल, नीचे हो गया क्या, नीचे 5 में 3 गया कितना फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यही हो गया ना। पापा बता 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और 2 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे 2 गुना 1। आप देखिए 2 गुना 1 से 2 गुना 1 खत्म में हो जाएगा, बचा क्या 5 24 20 60, देखो यहाँ भी 60 आया यहाँ भी 60 आया, इस योग्य डायरेक्ट बॉक्सवा बना बना ले, अरे वो सूत्रवा बना ले, समझ आया, जहाँ जो हल्का लगे वहाँ पर अप्लाई कर देना है, समझ आ गया ना। कितना हो गया 60, कितना हो गया, अरे देख हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बता यहाँ पर है नीचे हम कितना है 2 फैक्टोरियल, कितना है 2 फैक्टोरियल है ना, समझ तो लो यहाँ पर, यहाँ कितना नीचे में 2 फैक्टोरियल कितना है, तो इसको हम यहाँ पर इसको भी यहाँ पर बढ़ाते, देखें यहाँ पर इसको भी घटाते जाएंगे 5 गुना 4 गुना 3 गुना और डायरेक्ट यहाँ 2 फैक्टोरियल कर देंगे, और यहाँ पर जो फैक्टोरियल है कटे नीचे में रोक सकते हैं यहाँ पर, और 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल डायरेक्ट बोल कट गया, ये तो छोटा था, छोटा था तो चलो इसको आगे बढ़ाने कोई दिक्कत ना है। मान लो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखा है कितना 100 फैक्टोरियल और यहाँ लिखा है 98 फैक्टोरियल, इसका बोलेगा मान निकाले तो कितना करेंगे 100 गुना 99 गुना 98 97 करते करते सॉरी 97 96 करते करते कहाँ तक पहुँचेंगे, 1 तक पहुँचेंगे, और फिर उसको भी 1 तक पहुँचेंगे तो लंबा हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट सोचे नहीं कर देंगे 100 गुना 99 और यहाँ 98 हमें करता है, तो इसको 98 फैक्टोरियल ऐसे छोड़ देंगे, इसको और बना ले जाएंगे क्योंकि 98 फैक्टोरियल नीचे हमें करता है, 98 फैक्टोरियल छोड़ दीजिए ना, 100 गुना 99 किए 98 को हम फैक्टोरियल में छोड़ दिए, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 98 गुना 97 गुना 96 गुना 95 94 93 92 करके 1 तक जाएगा, जाएगा ना। लेकिन नीचे हम देख रहे हैं 98 पे करता तो क्या तो लंबा ले जाएंगे, 98 के नीचे भी है 98 फैक्टोरियल 98 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, 100 गुना 99 करेंगे आंसर आ जाएगा, समझा तो लो, समझा। अब यहाँ ध्यान देते हो हम देखने किसका फार्मूला देख लेते हैं, परमुटेशन यानी क्रमचय का फार्मूला, अब थोड़ा संचय फार्मूला देखते हैं, ऐसा लिखते हैं संचय भी उसी तरह होगा एन सी आर, एन सी सी मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब संचय, एन क्या होगा टोटल, टोटल में जितना चुनना है वो होगा आर, क्या होगा टोटल एन क्या होगा टोटल और उसमें जितना चुनना हो क्या होगा आर होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कुछ में थोड़ा सा अंतर होता है, एन फैक्टोरियल यहाँ भी लिख एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस अब फिर एक बार आर फैक्टोरियल लिख दे, समझा, योगा कॉम्बिनेशन फार्मूला, ठीक है ना। अब तुम्हें प्रश्नावली 7.1 बना बन जाएगा, 7.2 बना बन जाएगा, 7.3 बना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, सब बन जाएगा, ठीक है, बनाते हैं। चलिए ना रे प्रश्नावली 7.1 ज़्यादा मैथ ना है, कितना है देख ले 6 गो है, कितना है फटाफट बन जाएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 दे, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है क्या कि 1 2 3 4 और 5 से कितनी 3 अंक की संख्या बना सकते हैं, वही 5 को दे ले बोला 3 अंक की संख्या कितना बना सकता है, वही है ना, क्या दिया हुआ एन बराबर दिया हुआ है ना, कुल कितना दिया हुआ था 1 2 3 4 5 टोटल इतने दिया हुआ है ना, और उसमें बनाना है 3 अंक संख्या बनाना है, 3 अंक बनाना है ना, तो आर के मान कितना है 3, कितना बनाना है 3, यह ना आर के मान कितना है 3, कितना है। अब तुम लोग दो नियम है, सूत्रवा बना लिया बॉक्सवा बना लिया, दो नियम है ना, तो चलो बॉक्सवा बना लेते हैं। तो बोल रहा है क्या यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे संख्या दे रहे हैं 1 2 3 4 5, पांच संख्या दे रहे हैं, और देखिए यहाँ पर एक नंबर ने बोल रहा है कि अंक 3 अंक का संख्या बनाना है, एक नंबर ने बोल रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, अभी हम जो बना ये तो बताइए चुके हैं, हाँ पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति ऐसे क्वेश्चन हम बता भी चुके हैं, याद आ रहा है जो एग्जाम्पल में दिए गए था नहीं था एग्जाम्पल में, तो क्या आएगा बोल रहा है, एक नंबर बोल रहा है कि पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति क्या बोल रहा है पुनरावृत्ति, तो पुनरावृत्ति होगा तो सब लिख देंगे 3 अंक बनाना है ना, 3 बॉक्स बना दिए, बना दिए 3 बॉक्स, और पुनरावृत्ति होगा पुनरावृत्ति तो 5 को 5 5 लिखा जाएगा, जो 5 यहाँ लिखेंगे वही 5 यहाँ लिखेंगे, वही 5 यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे ना, तो कितना है 5 गुना 5 गुना 5 बराबर कितना, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति नहीं हो तो क्या होगा 3 अंक बनाना है, तो 3 बॉक्स 3 अंक बनाना है तो
यहाँ पर पांच में से जो संख्या है वो लिख दिए एक बार, वो तो दोबारा आप ना लिखेंगे क्योंकि पुनरावृत्ति ना हो रहा है। तो पांचों में से एगो जो हम लिख दिए अब वो दोबारा ना लिखाएगा, तब यहाँ पर चार एगो लिखना है, क्या लिखना है? और चारों में से एगो जो यहाँ पर लिख दिए, तो देख एगो यहाँ लिख दिए, एगो यहाँ लिख दिए, दो खत्म हो गया ना। अब अच्छा तीन हो गया, कितना बचा? तो तीन हो गया, कितना हो गया? तो कितना हो गया, तो करेंगे कितना हो जाएगा? पाँच गुना चार गुना तीन बराबर कितना? साठ, वही है ना, हो गया। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या? चलो टाओ सूत्रवाही बना सकता है, सूत्रवाही बना सकता है ना। चलो अगला देख, क्वेश्चन नंबर कितना? दो। क्वेश्चन नंबर अंक एक दो तीन चार पाँच छः से कितने तीन अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है? बोलो भाई, तीन अंक वाला सम संख्या बनाना है। क्या बनाना है? छः को संख्या दिया हुआ है लेकिन बनाना तुम लोग को तीन अंक वाला है। कितना अंक वाला बनाना है? तीन बॉक्स बनाना है। कितना बॉक्स बनाना है? यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, अंकों के अंक पुनरावृत्ति हो, अंक पुनरावृत्ति देले क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बनाना है। तीन अंक वाला संख्या, तीन अंक वाला सम संख्या बनाना है। तीन अंक वाला क्या बनाना है? यह बनाना है तीन अंक वाला सम संख्या, तीन अंक वाला। तो तीन अंक वाला बनाना है, तीन गो बॉक्स यही होगा ना, तीन बॉक्स हो गया। अब यहाँ ध्यान दे, सम संख्या कब होगा? जब यहाँ पर इकाई अंक सम होगा, सिंपल नियम है। विषम संख्या कब होता है? जब इकाई अंक विषम होता है, वही ना। तो यहाँ पर ध्यान दे, इसमें सम कौन है? दो चार छः, यही है ना। यानी सिंपल बात है कि इकाई अंक में क्या आएगा, या तो दो आए या तो चार आए या छः आए, तो सम हो जाएगा। अरे सम होने के लिए यही आना चाहिए, दो आना चाहिए या चार आना चाहिए, छः आना चाहिए, तब क्या होगा? सम क्या होगा? सम। इसके अलावा कौन आना चाहिए क्या? ना आना चाहिए। तो अगर दो चार छः आएगा तो होगा सम। क्या होगा? ये तीनों में से कोनो एगो आ जाएगा तो क्या होगा? सम यही होगा ना। अब बोल रहा है यहाँ पर क्या अंक का पुनरावृत्ति किया जाए, अंक का पुनरावृत्ति। तो देखिए यहाँ पर दो चार छः में से कोनो एगो आ गया तो बचा के गो, छः को टोटल छः गो है ना, टोटल छः गो है ना। तो दो चार छः में से कोनो एगो आ गया तो बचा के वो पाँच हो गया बच्चा। लेकिन बोला था यहाँ पर क्या रिपीट भी हो सकता है, तो टोटल हम ले सकते हैं ना। तो यहाँ भी छोबो ले सकते हैं, यहाँ भी छोबो ले सकते हैं, याद है? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कोई बोल दिया पुनरावृत्ति कर सकता है। अगर पुनरावृत्ति नहीं बोलता तब क्या लेते हैं? तब यहाँ पर यहाँ लेना, पुनरावृत्ति अगर नहीं बोलता तो यहाँ लेते कितना? पाँच, फिर लेते कितना? चार। कितना लेते हैं? नहीं पुनरावृत्ति बोल दिया ना, तो छोबो छोबो उतार दे कोई दिक्कत नहीं, छोबो छोबो उतार दे कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गया? तो कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ समझ आप तुम लोग, छो गुना छो। अब तुम लोग थोड़ा यहाँ समझना है, थोड़ा यहाँ समझ, ये दो चार छः यहाँ जो लिखे हैं, यहाँ क्या लिखे हैं? यहाँ तुम लोग ध्यान दे, यहाँ थोड़ा सा समझना है, यहाँ ध्यान दे। देखिए यहाँ पे या तो दो आएगा या तो चार आएगा या तो क्या आएगा, तो ये तीनों मिला कितना अंक हो गया? तीन हो गया। अरे दो आएगा तो एक बार दो आ गया ना, या तो यहाँ पर चार आया तो एक बार चार आ गया ना, या तो छः आएगा तो एक बार छः आ गया ना। तो इस प्रकार क्या बार आ रहा है? तीन बार आ रहा है। कितना बार आ रहा है? इसलिए यहाँ पर गुना में लिखना है तीन। कितना लिखना है? तीन। तो कितना होगा? छः सौ छत्तीस, छत्तीस तीया एक सौ आठ। कितना होगा? समझ आ गया? छत्तीस तीया कितना होगा? एक सौ आठ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख, क्वेश्चन नंबर कितना है? तीन। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर तीन क्या बोल रहा है? अंक अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम दस अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम यानी ए से लेकर जे तक, ए से लेकर जे तक। तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम दस अक्षरों से कितने चार अक्षर के कोड बनाना है? यानी ए से कहाँ तक लेना है? ए से लेना है, ए से लेना है कहाँ तक? जे तक लेना है, दस तक यही नहीं पूरेगा। अब बोल रहा चार अंक के कोड बनाना है, यानी एक बॉक्स दो बॉक्स तीन बॉक्स चार बॉक्स, चार अंक कौन सी बनाना है? कोड कौन सी बनाना है? अब बोल रहा है क्या यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं किया जा सकता है, पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति, तो यहाँ पर कुल कितना हो गया? दस हो, कितना हो गया? और ए से लेकर जे तक कितना हुआ? दस हुआ ना, किताब में बोल रहा है दस। तो बता जब चार अंक के कोडवा बनाना है, चार अंक के कोडवा बनाना है, तो सिंपल बात है जब पुनरावृत्ति नहीं बोल रहा है ना, कि दसों में से कोनो एगो लिख देंगे यहाँ पर, दसों में से दसों नहीं लिख दिए, दसों में से कोनो एगो तो यहाँ लिखेंगे ना, लिखेंगे ना, तो बच जाए क्या गो? नौ गो, क्योंकि दसों में से फिर दसों लिख देंगे तो एगो फिर मिलने लगेगा, नहीं मिलने लगेगा। तो दसों में से कोनो एगो लिख दिया तो बच्चा क्या गो? नौ गो। पुनरावृत्ति नहीं बोल रहा है तब हम नौ लिख रहे हैं, पुनरावृत्ति बोलता था दसों लिख देते हैं, दसों में से फिर दसों लिखते तो मिलता कोई दिक्कत ना है। तो दस में से कोनो एगो लिख दिए ना तो बच्चा क्या गो? नौ गो। अब देख यहाँ पर, तब यहाँ पर नौ गो बचा, तो यहाँ पर नौ में से कोनो एगो लिख सकते हैं, तो अब दो गो लिखा गया, लिखा गया ना। अब बच्चा क्या गो? आठ गो। क्या बच्चा? आठों में से कोनो एगो लिख सकते हैं, तीन गो लिखा गया। अब क्या बच्चा? चार गो, सॉरी अब क्या बच्चा? सात हो। क्या बच्चा? तो सातों में से कोनो एगो यहाँ ले सकते हैं, हो गया। तो चार अंक पूर गया ना, चार अंक वाला कोड पूर गया ना, हो गया। तो अब कर देना क्या? दस गुना नौ गुना आठ गुना सात, तो कर दे नौ अठी बहत्तर, बहत्तर गुना सात करेंगे, बहत्तर गुना सात करेंगे, सात दूनी चौदह सतत्ती उनचास, उनचास अब बकीबा पचास, यानी हो जाएगा फाइव जीरो फोर जीरो आंसर। समझा तुम लोग? अगर पुनरावृत्ति बोलता, पुनरावृत्ति तो दस दस गुना दस गुना दस गुना दस, दस गुना दस गुना दस गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है? जीरो से नौ तक के अंकों का प्रयोग करके, क्या बोल रहा है? जीरो से नौ तक के अंकों का प्रयोग करके कितने पांच अंक के टेलीफोन बना सकता है?
पाँच अंक टेलीफोन बनाना है, क्या बनाना है, कहाँ से यूज करना है, देखिए यहाँ थोड़ा समझना है इस क्वेश्चन में। ए बंदर उठा फेंक देंगे, ये क्वेश्चन में थोड़ा समझना है क्या बोल रहा है, जीरो से लेके कहाँ तक यूज करना है, नौ तक कहाँ तक करना है। और सिंपल बात है, दुनिया में कोई भी संख्या बनता है जीरो से लेकर नौ तक यूज करके बनता है ना, तो जीरो से लेकर कहाँ तक यूज करना है, नौ तक, कहाँ तक करना है। अब पाँच अंक का टेलीफोन नंबर बनाना है, पाँच अंक का टेलीफोन नंबर बनाना है एन करना है। अब तुम लोग ध्यान दे, यहाँ तुम लोग थोड़ा देखना है, वो यहाँ पर देखा पुनरावृत्तियाँ जीरो से नौ तक अंकों का प्रयोग करके कितने पाँच अंक के टेलीफोन नंबर ले लिए ना, जीरो से नौ तक अंकों का प्रयोग करके पाँच अंक के टेलीफोन नंबर बनाना है, तो पाँच अंकों डब्बा बना दिए ना, पाँच डब्बा बना दिए ना। यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है, यानी सिंपल बात है, जब प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ हो रहा है, यानी तो यहाँ देखिए, यहाँ 6 होगा, यहाँ क्या होगा, 7 होगा, प्रारंभ करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर होगा 7, 6 और 7। अब बोल रहा है कि यदि कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, तो देखिए यहाँ पर दो अंक तो यहाँ लिख दिए, टोटल है 10 अंक, टोटल कितना है, जिसमें से दो अंक लिख दिए ना, अब बचा कितना, 8 अंक, कितना अंक बचा, क्योंकि रिपीट नहीं करना है, तो यहाँ पर 8 में से कोनों दे सकते हैं, फिर यहाँ 7 में से कोनों दे सकते हैं, अब यहाँ पर क्या दे सकते हैं, 6 में से कोनों दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। अब यहाँ ध्यान देते, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, 8 × 7 × 6 होगा ना, होगा। अब तुम बोलेगा 6 × 7 का है ना, कि यार ये तो डायरेक्ट हम चिपका दें, यहाँ 8 में से कोनों नंबर लेना है, लेकिन यहाँ 6 लेना है, ये थोड़े गुना करना है, समझ आ रहा है ना, ये 6 यहाँ बोला 67 ही फिक्स है, 67 क्या है, फिक्स है ना, 67 क्या है, फिक्स है, लेकिन यहाँ पे 8 में से कोनों ले ले, 7 में से कोनों ले ले, और 6 में से कोनों, तो कितना हो गया, 8 × 68 = 56, 56 × 6 करेंगे कितना होगा, देखो 68 = 56, 56 × 6 = 36, 36 × 6 = 30, और 30 और 3 बाकी हुआ कितना, होते 36, कितना हो गया, 336, समझ आ गया, 336 को क्या बनेगा, टेलीफोन नंबर बनेगा, जिसमें से सबके आगे क्या रहेगा, 67 सबके आगे रहेगा, समझ आया तुम लोग को, जिसमें सबके आगे क्या रहेगा, 67 रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर देखे, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 5, चले क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 5 देख, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यहाँ समझ रहे बंदर, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या, एक सिक्का तीन बार, एक वो सिक्का है, तीन बार उछाले, क्या उछाले, तीन बार उछालते हैं, तो एक सिक्का तीन बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणाम अंकित कर लिए, यानी कौन सी आप अंकित कर लेना है, ठीक है ना, तो परिणाम की संभव संख्या क्या है, यानी कितना तीन बार उछाला है, तो तीनों मिला के बताना है कितना परिणाम संभव है, तो दसवां भी तुम लोग पढ़ा नहीं पढ़ा, अरे वो सिक्का है उसको कितनों बार उछा रहे हैं, कितनों बार, एगो आएगा हेड, ये आएगा टेल, यही ना आएगा, और तीन बार उछाले हैं, तीन बार उछाले हैं, ठीक है ना, कितना उछाले हैं, तो सिंपल बात है, जब तीन बार उछाले हैं तो सिंपल बात है, यहाँ दो आने वाला संभावना है, दिए वाला अच्छा संभावना है, लेकिन उछाले हैं तीन बार, कितना उछाले हैं, तो तीन बॉक्स बना दिए, कितना बॉक्स बना दिए, तीन बॉक्स बना दिए हैं, और यहाँ समझ तुम लोग, आएगा हेड या आएगा टेल, तो यहाँ लिख दिया दो, यह दोनों में से कौन आएगा, यह बॉक्स में यह दोनों में से कौन आएगा, यह बॉक्स में यह दोनों में से कौन आएगा, तो दो दूनी चार, चार दूनी 8, आंसर हो गया, अरे सिखवा को उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा, तो तीन बार उछाले हैं, तीन बॉक्स बना दिए, बना दे तीन बॉक्स, अरे पगली वहाँ नहीं पढ़ा पाइए, यहाँ देख तीन बॉक्स बना दिए ना, अभी बॉक्स में कौन आएगा, तो हेड में से हेड या टेल में से कौन आएगा, ई बॉक्स में कौन आएगा, तो हेड या टेल में से कौन आएगा, ई बॉक्स में कौन आएगा, तो हेड या टेल में से कौन आएगा, तो दो ना आ रहा है, तो दो चौक 8, दो चौक, और तुम बोलेगा ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे हेड 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 टेल लिख ले, हेड हेड टेल हेड, फिर लिख ले टेल हेड हेड, समझ आया तुम लोग को, फिर लिख ले टेल टेल हेड, 8 को पूरी जाएगा, देख लेना लिख के, फिर लिख ले तुम लोग टेल टेल टेल, लिख सकता है, फिर तुम लिख ले टेल हेड टेल, लिख सकता है, क्या वो हुआ टेल टेल हेड, और उसका टेल हेड टेल टेल हेड हो गया, और क्या होगा हेड टेल हेड, कहीं लिखे हैं, लिखा ले लिखा ले टेल टेल हेड, नहीं नहीं देख ले टेल टेल हेड है क्या, टेल टेल हेड ना है, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं हम टेल टेल हेड मिला है, एगो दू गो तीन गो चार गो पाँच गो छः गो सात गो आठ गो, तो पूरा लगे तो जबरदस्ती पूरा कहाँ रहा है ना, पूरा ले चल रहा, देख क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, भिन्न भिन्न रंगों के पाँच झंडे दिए हैं, क्या झंडा दिया हुआ है, पाँच झंडा दिया हुआ है, कितना झंडा दिया हुआ है, ठीक है ना, कितना झंडा दिया हुआ, पाँच झंडा दिया हुआ है, अरे बंदर पाँच झंडा दिया हुआ है, अब बोला इनमें से कितना विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं, संकेत बनाना है, कितना बनाना है, कितना कितना झंडा ले संकेत बनाना है, तो बोल रहा है यदि
प्रत्येक संकेत में दो झंडा लेना है, पांच झंडा दे देना है, कोनो दो झंडा ले लेना, कोई दो झंडा ले लेना, संकेत बनाना है, ठीक है ना। तो नीचे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, यानी जब संकेत बनाना है तो झंडा ऊपर है, झंडा दो संकेत बनाना है ना, दो झंडा ले संकेत बनाना है, एक झंडा ऊपर है झंडा नीचे है। तो बता यहाँ पर कुल कितना है, कुल है पाँच झंडा, कुल कितना है पाँच झंडा है, संकेत कितना बनाना है दो झंडा के लिए, कितना बनाना है, एगो नीचे एगो एगो ऊपर एगो, बता पांचों झंडा में से कोनो एगो यहाँ ले लेंगे, हाँ। ना ले लेंगे, हाँ। ले लेंगे, हाँ। और यहाँ पर जब पांच में से कोनो एगो ले लिए, क्योंकि यहाँ एक बोल रहा है कि पर यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक दो झंडे के नीचे एक दूसरे प्रयोग करके प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पर रिपीट रिपीट नहीं बोला था, रिपीट रिपीट नहीं बोला है, रिपीट नहीं बोला, रिपीट रिपीट कोई नहीं बोले तो समझ लेना कि यहाँ पर रिपीट ना हो रहा है, क्योंकि यहाँ बोला क्या ऐसे ऐसे रिपीट यहाँ बोल रहा है, तुम लोग शुरू में क्या बोल रहा है भिन्न भिन्न रंग, तो रिपीट नहीं बोल रहा है, अगर एक अगर यहाँ भिन्न भिन्न मतलब क्या हुआ कि रिपीट ना हो, इसका मतलब यह हुआ। तो पांचों में से कोनो यहाँ पर ले लिए, तो यहाँ पर क्या लेंगे, पांच में से कोनो एगो यहाँ ले लिए ना, तो बचा क्या गो चार गो, क्यों बचा, यहाँ चार गो लेंगे तो कितना आएगा, पाँच गुना चार बराबर कितना, बीस, कितना होगा। चटर प्रश्न समय पॉइंट वन खत्म हुआ, समय पॉइंट टू देख, चलिए यहाँ दे प्रश्नावली 7.2, प्रश्नावली 7.1 में इंट्रोडक्शन भी हो गया, उसका बता भी दिए वन बता दिए थे ना। अब प्रश्नावली 7.2 के वन नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आठ फटोरियल के मान निकाले, आठ फटोरियल का तो सिंपल आठ गुना सात गुना छः गुना पाँच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक बराबर करके लिख दिया, लिख लेगा अब गुना करके नहीं लिख पाएगा, बन गया है। दो नंबर क्या बोल रहा है, दो नंबर बोल रहा है फोर फैक्टोरियल माइनस थ्री फैक्टोरियल, यही है ना। अरे फैक्टोरियल मतलब क्या बताया था, पूछेगा दस फैक्टोरियल, तो दस गुना दस गुना नौ गुना आठ गुना सात गुना छः पाँच चार तीन दो एक, जितना ही बोलेगा उतना से घटाते घटाते एक तो पहुँचा देना, ये बताए थे। यहाँ बोल रहा है फोर फैक्टोरियल माइनस थ्री फैक्टोरियल, यही बोल रहा है। तो पहले हम निकाल लेते हैं फोर फैक्टोरियल कितना निकालते हैं, तो चार गुना तीन गुना दो गुना एक, फिर निकालते हैं थ्री फैक्टोरियल, तो थ्री गुना टू गुना वन, चार तिया बारह बारह दूनी, चार तिया बारह बारह दूनी चौबीस, तीन दूनी छः, चौबीस में छः जाएगा, यह है ना, तो चौबीस में से छः गया कितना अठारह आंसर। अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर दो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर दो बोल रहा है, क्या थ्री फैक्टोरियल और प्लस फोर फैक्टोरियल बराबर सेवन फैक्टोरियल होगा, बताना हाँ या नहीं बताना है, हाँ या नहीं, क्वेश्चन नंबर दो है ना, बोल रहा है थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर फैक्टोरियल बराबर सेवन फैक्टोरियल होगा, ठीक है ना, यह क्वेश्चन मार्क्स, यानी हाँ या क्वेश्चन पूछा जाए हाँ या नो में जवाब देना है, यही ना, तो सिंपल बात है ना होगा, क्या देखा थ्री फैक्टोरियल की करेंगे तो क्या होगा, तीन गुना दो गुना एक, चार मतलब चार फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, चार गुना तीन गुना दो गुना एक, और सेवन फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, सात गुना छः गुना पाँच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक, देख बराबर होगा कभी देख लेना, तीन दूनी छः, एक से गुना करेंगे छोबे ना होगा, चार तीन बारह बारह दूनी चौबीस, सात छः बयालीस, बयालीस पच्चे दो सौ दस, देखे अब ये अजय बड़ा हो गया ना, बड़ा हो गया ये चौबीस अच्छा कितना होगा तीस होगा, अजय ही बड़ा हो गया ना, हो गया तो बराबर होगा क्या, तो लिख देना यार यहाँ तुम लोग गुना के लिए इतना बराबर नहीं है, तो लिखना है नहीं है, क्या लिखना है, बन गया। अगला देख क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन क्या है, क्वेश्चन नंबर तीन बोल रहा है आठ फैक्टोरियल बटा सिक्स फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल का परिकरण कीजिए, यानी मान बताना है, क्या बताना है, आठ फैक्टोरियल बटा सिक्स फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, यही है ना, देखिए आप इतना आठ गुना आठ गुना सात गुना छः गुना पाँच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक कितना जो करेंगे डाट छः तक यहाँ इसको स्टॉप कर देंगे जाके, अरे आठ गुना सात गुना छः तक स्टॉप कर देंगे, छः छोबे करता है छः छः कट जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे आठ फैक्ट आठ गुना सात गुना छः फैक्टोरियल, छोबे तो क्या रोक दिए बता, कि नीचे छोबे हेवन करता है ऊपर हम छः फैक्टोरियल, नीचे हमें छः फैक्टोरियल ऊपर नीचे खत्म हो जाएगा, तो ऊपर हम भी हो गया छः फैक्टोरियल, क्या हो गया आज दो फैक्टोरियल क्या लिख देते हैं, तो इसको दो गुना एक लिख दिए, अब इस छः फटोरिया से छः फटोरिया और दो से चार बार में एक से काटे चाहे काटे को फर्क पड़ता है, तो छसठी और सतसठी अट्ठाईस गुना छः अट्ठाईस गुना तो छः अट्ठी अड़तालीस बाकी कटल है सात सौ अट्ठाईस आंसर, सात सौ अट्ठाईस आंसर, चलो इतना ध्यान नहीं छो कटल के नखुन में खा पे बहुत ध्यान है, चलो यहाँ ध्यान दे क्वेश्चन नंबर फोर, तोरे बोल पे नखुन में खा पाए क्वेश्चन नंबर फोर, कौन सी बोला पाए वन बटा सिक्स फैक्टोरियल, क्या चीज बोला पाए वन बटा सिक्स फैक्टोरियल प्लस वन बटा सेवन फैक्टोरियल एक्स बटा एट फैक्टोरियल, तो एक्स का मान बताना है, एक्स का मान तो ये देख यहाँ पर इसको कैसे बनाना है, अब इतना लंबा लिखेंगे छः गुना, देख यहाँ पर यहाँ छः है यहाँ सात है तो बड़का कौन है, यही है ना, इसको तो यहाँ छः है इसको भी छोबे तक तोड़ेंगे, कॉमन लेना में जी नहीं पड़ेगा, तो देख यहाँ पर वन बटा सिक्स फैक्टोरियल क्या
और यहाँ इसको तोड़ दे, 1/7 × 6 फट ले सकते हैं, और यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 कमल लेते हैं, ऐसे पूरा लंबा लिख के हल करेगा तो अभी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा उसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहा है ना। बराबर कौन थी 1/8 फटोरियर, यही हो गया ना। अब ले ले 6 फटोरियर कमल लेते ले, तो 1/6 फटोरियर कमल, जैसे कमल लेंगे तो यहाँ कोई पूरा निकल गया तो क्या बचा, एक यहाँ 1/6 निकल गया, क्या बचा 1/7, यार बचा रहे 1/8 फटोरियर बच गया, बचा तो 1/6 फटोरियर 7 × 7 और 1 8/7 गुना में यही होगा ना, होगा गुना में, अब बटा 1/8 फटोरिया कैस बटा 1 फटोरिया हो गया, हो गया। अब यहाँ तुम्हें समझ, यहाँ समझ तुम लोग, यहाँ 6 फटोरिया यहाँ 8 फटोरिया यही है ना, तो ये बड़का ही है ना, तो इसको हम 8 को पीछे ले जाएंगे, 6 तक जाकर रोक देंगे, ये 6 इधर है 6 उधर है, कट जाएगा ना, कटेगा। तो यहाँ लिख 1/6 फटोरिया 8/7 बराबर, इसको लिख दे 1/8 × 7 × 6 फटोरिया लिख देंगे, लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा खल्लास, क्या हो जाएगा, कैसे खत्म होगा, तो 6 उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा ना, ना कट जाएगा। तो यहाँ बचा 8/7, क्या बचा ना बचा, इधर क्या बच रहा है, इधर बोला 1/8 × 7 × 7 खत्म, और 8 से 8 नहीं काट देना क्योंकि ये ऊपरा में निचुआ में, तो इधर आएगा तो ऊपरे में हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो 8 को भेज दे इधर, 8 को भेज दे, तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा 64, आंसर एक्स के मान कितना हो गया 64, कितना होगा अगला देख, कितना नंबर बच्चा है, 5 नंबर बच्चा है। चल क्वेश्चन नंबर 5 देख, क्वेश्चन नंबर 5 पे सूत्र बता दे परमुटेशन का, जो बताया ना तुमने परमुटेशन का सूत्र बताए थे ना, परमुटेशन का सूत्र तुम लोग को क्या बताए थे, पी बराबर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल बताए थे ना, तो वही डायरेक्ट ही दे ले सूत्र बता दे, क्या दे ले बोरा एन बराबर 6 लो, एन बराबर कितना लो, तो यहाँ यहाँ पर लेंगे 6, क्या लेंगे तो हो जाएगा मेरा 6 फैक्टोरियल ना हो जाएगा, एन के यहाँ पर यहाँ कितना लेंगे 6, कितना लेंगे आर के यहाँ पर कितना बोरा लेने 2, कितना बोरा है हो गया, इसका मान नहीं निकल पाएगा, तो 6 फैक्टोरियल / 6 में से 2 गया 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 है तो ऊपर में 4 ही जाके रोक देंगे, नहीं रोकेंगे, तीजी हो जाएगा 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल नीचे में ख़त्म, तो 6×5 = 20 अगला क्या होगा 6×5 = 30 कितना हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर कितना है 2 बनाना है, 5×1 हो गया ना, 5×2 इसी में क्या बोल रहा है, बोल रहा है एन बराबर 9, एन बराबर तो 9 फैक्टोरियल, फिर एन के यहाँ पर क्या लेंगे 9, क्या लेंगे आर कितना बोल रहा है 5, कितना बोल रहा है हो गया 5, तो हो गया क्या मेरा 9 फैक्टोरियल / 9 में 5 है कितना 4 फैक्टोरियल, इसको 4 तक रोक देंगे जाके, तो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 रोक दिया यहाँ तक, नीचे में 4 है ख़त्म हो गया, गुना का 9 ठीक 72, और 72 × 7 करेंगे, 72 × 7 करेंगे, 7 × 2 = 14, 47 49 = 50 हो गया ना, यहाँ से 6×5 = 30, तो 30 से गुना करेंगे इसमें, तो 3 से गुना कर दे 4 × 3 = 12, फिर 1 × 5 = 15, लडुआ के इतना आंसर हो गया 15, 1, 2, 0 आंसर, समझ आ गया, खत्म हो गया चैप्टर।